देश में चौथे चरण के चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं। महिलाओं को इस बार प्राथमिकता दी गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन फिल्मी सितारों को उनसे भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, ये भी सच है। वही महिलाओं को लेकर जिस तरह की भद्दी बयानबाजी इस बार चुनाव के दौरान की गई है, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं एक महिला के बारे में उनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। अमर सिंह का कहना है कि आजम खान की मां को लेकर वो टिप्पणी करने से नहीं चूकते। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर पर टिप्पणी कर जाते हैं, ये कहकर कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए ब्यूटी की जरूरत पड़ गई। वहीं कांग्रेस के कुछ एक कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के दिग्गज नेता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। कुल मिलाकर ये इतिहास का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बेरोजगारी, सड़कें, पानी और अन्य सुविधाओं के बजाय महिलाओं को बेइज्जत करने पर फोकस रहा। चलिए, ये तो बात थी नामी गिरामी हस्तियों की। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैकफुट पर रहकर महिलाओं पर ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसे सुन पाना भी मुश्किल है। हाल ही में एक खबर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, बेगूसराय से थी, कोंडम का जिक्र था और ये कहा गया कि शैला रशीद जो सहयोगी हैं कन्हैया की, उनके बैग में 40 कोंडोम मिले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ समर्थकों ने पोस्ट डालने शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि कन्हैया के लिए वोट मांगने गई थी या चुनावी खर्चा निकालने गई थी। कितनी भद्दी बात है। इस पोस्ट को बड़ी ही बेशर्मी के साथ बार बार शेयर किया गया और समझिए वो लोग जो शेयर करते गए उन्होंने बिना ये सोचे कि ये खबर सही है या सही नहीं है इसे खूब शेयर किया। कुछ लोगों ने ये अफवाह भी उड़ाई कि चुनाव आयोग ने इस पर जवाब तलब किया है, पुलिस ने जांच की है और पाया है कि 40 कोंडोम शैला रशीद के बैग में निकले हैं। वहीं कुछ समय बाद स्मृति ईरानी के इसी तरह के तमाम आरोप स्मृति ईरानी पर लगने लगे, उनके बैग में कोंडम मिले हैं ये कहा जाने लगा। लोगों ने जो कांग्रेस के प्रशंसक हैं इस खबर को भी शेयर करना शुरू कर दिया। पोस्ट लिखे गए, अमेठी में पुलिस जांच में 40 कोंडम निकले, कहा जाने लगा कि ये वहां राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने गई थी या चुनाव खर्च निकालने। अब आप इस मानसिकता को समझिए, कितनी गिरी हुई सोच है उन लोगों की जो किसी भी महिला पर ऐसी बयानबाजी करते हैं, इस तरह के पोस्ट लिखते हैं और उनको बड़ी ही बेशर्मी से शेयर करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस तरह की किसी भी पोस्ट को अपने अकाउंट पर शेयर करते समय ये भी याद रखें कि आप भी किसी महिला की वजह से इस वक्त जिंदा हैं। सम्मान हर महिला डिजर्व करती है, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर शैला रशीद हो। किसी को ये हक नहीं कि एक महिला को बेइज्जत करके चुनाव जीतने की कोशिश करे। इस तरह की तमाम खबरें झूठी होती हैं और सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत करने के इरादे से बनाई जाती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।